तो ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स वाला एजेंडा है इसको खत्म कर दीजिए। मैं उनसे कहने नहीं जा रहा जो पाखंडी है, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारी गाड़ी में 5 सीट में पांचों तुम्हारी जाति के बैठे तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन। जब मन सजा हो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर, जब मन सजा हो स्कूलों के लिए, विद्यालय के लिए, आरक्षण के लिए, तो भले ही तुम्हारा विरोधी कार्यक्रम कर रहा हो चुपचाप जाकर के बैठ जाओ। इसमें तकलीफ कहां कि हम कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। नहीं मानता तो नहीं मानता यार, जबरदस्ती बनवा लोगे क्या कि माँ जीजाबाई और उनके पिता शाहजी भोसले का अंतरजाति विवाह हुआ था तो शिवाजी जैसी संतान पैदा हुई थी। तो अगर अंतरजाति विवाह करोगे बहुजन एकता बनेगी और परम प्रतापी संतान भी जन्म लेगी। कि जहां पर बोल रहा हूं यही बगल में 1857 की क्रांति हुई और वो क्रांति माता भीम भंगी की वजह से हुई और वो क्रांति धन सिंह कोतवाल की वजह से हुई थी। तो हमें उस इतिहास को जानना चाहिए। ये मैदान इस बात का गवाह है कि हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। तुम्हारा शिवाजी महान कैसे, तो उनके साथ एक जोड़ दिया गया कि दादाजी कोणदेव की वजह से महान, जबकि दादाजी कोणदेव का शिवाजी के जीवन में कोई योगदान नहीं। तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे, तो जोड़ दिया एक चाणक्य नाम का कैरेक्टर, जबकि इतिहास में चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं। कोई विदेशी जितने भी इतिहासकार है उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। तुम्हारा कबीर इतना महान कैसे, तो जिन मनुवादियों को कबीर का जन्म नहीं पता कि कब हुआ था वो बताते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ। जन्म की तिथि नहीं पता, विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ था ये पता है। इसलिए इतिहास को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये मेरठ वो धरती है जहां कभी सर छोटू राम की विचारधारा की वजह से चौधरी चरण सिंह और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कभी नफरतवादी राजनीति को, इशारों में समझिएगा, नफरतवादी एजेंडे को यहां पनपने नहीं दिया था। लेकिन नफरतवादियों ने एक झूठा बहुजनों के बीच में दंगा करवा करके उस यूनिटी को छीनने की कोशिश की। किसान आंदोलन में काफी हद तक वो दूरियां कम हुई हैं। यहां से शपथ लेकर के जाइए कि उन नफरत भारतीयों को पश्चिम उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे, इतना तो कम से कम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग इन मंचों से ये नहीं तय कर सकते कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन इन मंचों से ये तो तय कर सकते हैं कि हमारे मुद्दों के आधार पर बनेगी, हमारी विचारधारा के आधार पर बनेगी। हम पार्टियां तय नहीं करते, लेकिन यह तो तय कर सकते हैं कि संसद में जाने वाला व्यक्ति अंबेडकरवादी होगा, संसद में पहुंचने वाला व्यक्ति संविधानवादी होगा, यह तो तय किया जा सकता है। अब छोटे छोटे अनुरोध कर लेता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, छोटे छोटे अनुरोधों के साथ बात खत्म करूंगा। कोई बात नहीं करूंगा ये परिवर्तन वो परिवर्तन, यहां क्रांति कर दो। छोटे छोटे अनुरोध करता हूं आप बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन यूनिटी विषय है ये, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं मुझे इनके पीछे पृष्ठभूमि में वजह लगती है बहुजन एकता। तो मैं इसी बहुजन एकता पर बात करूंगा कि आएगी कैसे। अगर इन मंचों से इस बात को इस तौर पर समझिएगा कि एक बहुजन बोल रहा है, अगर किसी और दिशा में ले गए तो फिर आप आलोचना करते रहेंगे। अगर बहुजन एकता हम चाहते हैं तो, जो चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं ये फॉर्मूला, कि अगर बहुजन एकता हम चाहते हैं तो हमें इन मंचों पर सिद्धियाल चौरसिया को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर संतराम दिए प्रजापति को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर कर्पूरी ठाकुर को भी याद करना पड़ेगा। और अगर बाबा साहब को इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी तो सम्राट अशोक का कोई योगदान नहीं था क्या? क्यों हमारे नारों में सम्राट अशोक नहीं आते हैं? इस बात को बड़े दिल करके सोचिएगा। जिस तरीके से किसी भी जाति का व्यक्ति मंच में तलाशता है चुनाव के समय कि हमारी जाति का नेता कहां बैठा है, टॉर्च लगा के ढूंढता है, उसी तरह आपके नारों में बहुजन समाज तलाशता है कि हमारी हिस्सेदारी नारों में है या नहीं। अफसोस कि नहीं है। उस हिस्सेदारी को अपने नारों में लाना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा कि पेरियार ललई बौद्ध बने थे और हमारे पूर्वज थे, ये बताना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि ये मेरठ महाराज सिंह भारती की धरती है,
जो यहां से सांसद भी रहे, एमएलसी भी रहे और अर्जक संघ के संस्थापकों में से एक थे। ये बताना पड़ेगा कि महाराज सिंह भारती जाट समाज से आने वाले वो सांसद थे जिन्होंने सदन में आज तक किसी सांसद ने नहीं बोला है। ये बड़ा दिल करके बताना पड़ेगा, महाराज सिंह भारती ने सदन में बोला था कि मेरे मरने के बाद इस सदन में मौन न रखा जाए क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा में भरोसा नहीं रखता। महाराज सिंह भारती ने अपने उनके यहां जो इस समय उनके नाती है, मेरे मित्र है मनीष भारती जी, वो कहते गए थे अपनी वसीयत में कि ना मुझे मेरे अस्थि कलशों को कहीं किया जाए, और हां एक बात और कह गए थे कि मेरे नाम के आगे स्वर्गीय ना लगाया जाए। ये जो डुअल माइंडसेट एजेंडा है ना कि बुद्ध भी रखे रहेंगे सजाने के लिए कि हम बौद्धिस्ट हो गए हैं और बगल में देवी देवता भी चलते रहेंगे, तो ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स वाला एजेंडा है इसको खत्म कर दीजिए। मैं उनसे कहने नहीं जा रहा जो पाखंडी है, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम पाखंडी नहीं है वो तो कम से कम हाथों से आइडेंटिटी कार्ड काट दो। जो कह रहे हैं कि हम नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, तुम खुद कहने आए हो कि हम बहुजन हैं। अगर बहुजन हो, अगर बाबा साहब के अनुयायी हो, अगर सम्राट अशोक के अनुयायी हो, तो गले से और हाथों से आइडेंटिटी कार्ड खत्म कर दो, इतना तो किया जा सकता है। और बहुजन एजेंडे के तहत जब मंच से भाषण देने आओ तो तुम्हारे भाषण के 10 मिनट में कोई यह ना समझ पाए कि किस जाति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, होता यह है कि अगर मैं मंच से 10 मिनट में 5 बार संत गाड़ेगे का नाम ले रहा हूं तो क्लियर हो जाता है कि यह है, यह नहीं होने देना है। और 35 मिनट में 30 मिनट बाबा साहब को रटोगे, बहुजन यूनिटी नहीं आएगी। 35 मिनट में 30 मिनट इन सबको बताना पड़ेगा, सबको, क्योंकि देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में सबका योगदान है। समझो भैया, कब समझोगे ये बात कि हमें बड़ा दिल करके बहुजन एकता बनानी है। ये समझना पड़ेगा कि अपने घरों में क्रॉस करना पड़ेगा कनेक्शन, घर के सामने घुसे और पहली तस्वीर देखते हुए क्लियर हो गया कर्पूरी ठाकुर अच्छा नाई समाज का घर होगा। ये चेंज करना पड़ेगा। अगर अपने अपने घरों में अपनी अपनी जाति का महापुरुष रखे हो तो इस कार्यक्रमों में आने से कोई फायदा नहीं होगा। बदल दो, 5-6 महापुरुष टांग लो और अपनी जिस कार से इस तरह के बहुजन शादियों में जा रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुजन एकता के कार्यक्रमों में अगर जा रहे हो और तुम्हारी गाड़ी में 5 सीट में 5 तुम्हारी जाति के बैठे तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन। कोई इसमें मुझे डोरा नहीं। और अगर तुम्हारी भावना तब जागृत होती है कि आज मेरे महापुरुष, मेरे जाति के महापुरुष की जयंती है, तब मेरी भुजाएं फड़फड़ाने लगी कि अरे कहीं जयंती नहीं मन रही, तो तुम बहुजन एकता के दुश्मन। समय के साथ बदलना पड़ेगा। जो पहले फेज का जागरूक है, पहले फेज का मान लिया कि जाति के नाम पर तुम जागरूक हुए हो, लेकिन कब तक? 1 साल छूट दे दी जाति के नाम पर जागरूक रहो, 2 साल छूट दे दी, 3 साल छूट दे दी। अरे जो 20-25 साल से अंबेडकर बाद नमो बुद्धाए, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा की बात कर रहे हैं, तुम तो बदल जाओ। तब तो 1 साल वाले को बताओगे कि तुम चेंज हो जाओ। 25 बताइए, ओबीसी तो मूर्ख था, तो जो होशियार थे, जो 30 साल पहले बाबा साहब को समझ गए थे, वो खटीक में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए अंबेडकर वाले, वो पासियों में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए अंबेडकर वाले? हमारी गलती, हम तो मूर्ख थे, हम तो कावड़ हो रहे थे। महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को भी आरएसएस ट्राई करती है, मेरे जैसे व्यक्ति को जो सब कुछ स्पष्ट है, केवल गूगल पे नाम डालिए नीरज भाई पटेल, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को आरएसएस ट्राई करती है और आप अपने घर के बगल के व्यक्ति को ट्राई नहीं मारते? अरे छोड़ो यार, वो तो पाखंडी है। ट्राई मारिए, ट्राई। जितने भी आपके आस पड़ोस लोग रह रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि फलाना तो ये है, ट्राई मारिए। मैं चुनौती दे रहा हूं कि जिन समाजों को आप पाखंडी कहते हैं उन्हीं समाजों से मैं हजारों अंबेडकरवादी तैयार कर सकता हूं, मेरा चैलेंज है। और ये कार्यक्रम इस बात का गवाह है। इस सूखी धरती पर ये क्रांति की धरती हुआ करती थी, लेकिन अब ये कहा जाने लगा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों के पेट भरे हुए हैं, जमीनें काफी ठीक ठाक हैं, दिल्ली से सटा हुआ है, तो यहां के लोग बहुजन मूवमेंट नहीं समझते। सोचिए कि एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में कार्यक्रम करने के बाद 3 महीने से यहीं डेरा डाल दिया, तो भंते सुमित रतन जैसा एक व्यक्ति
सीमित संसाधनों के साथ इतना बड़ा आयोजन कर सकता है, तो आप तो यही के हो, आप क्या नहीं कर सकते। तो भंते जी को अगली बार, अभी आप दूसरे जगह का व्यक्ति आपको बुलाया, आइए हम कार्यक्रम करेंगे आपके पूर्वजों का, अगली बार आप कार्यक्रम करिएगा और इनको बुलाइएगा कि आइए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको इस मंच पे बुला रहे हैं, तब इन कार्यक्रमों की सार्थकता होगी। और एक अंतिम बात के साथ बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं। एक और समस्या है सामाजिक संगठनों के साथ, हम ही हैं। मेरा अनुरोध यह है कि जितने भी सामाजिक संगठन के पुरोधा है वो ये सोचे कि हम भी हैं। बहुत सारे लोग देश में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत लोग मंच पर अच्छे वक्ता हैं, बहुत सारे लोगों के पास अपनी अपनी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में हम भी एक हैं। कोई मृत्यु भोज पे काम कर रहा है, ओके, वेरी गुड। कोई सामाजिक परिवर्तन पे काम कर रहा है, कोई बुद्धिज्म पे काम कर रहा है, कोई अम्बेडकर बात पे काम कर रहा है, कोई अर्जक बात पे काम कर रहा है। हमें एक बात समझनी है कि जब सामंती और मनुवादी आपस में खूब लड़ते हैं, लेकिन जब उनको आपके अधिकार छीनने होते हैं बहुजनों के और ओबीसी एससी के, तब एक हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करने आया हूं कि आपस में खूब झगड़ा कर लो, नाली का, खंजा का, सब खूब झगड़ा कर लो, लेकिन जब मन सजा हो जातिवार जनगणना को लेकर, जब मन सजा हो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर, जब मन सजा हो स्कूलों के लिए, विद्यालय के लिए, आरक्षण के लिए, तो भले ही तुम्हारा विरोधी कार्यक्रम कर रहा हो, चुपचाप जाकर के बैठ जाओ, मुद्दे पर बैठ जाओ, मुद्दे पर सपोर्ट कर दो, बाकी फिर लड़ो। कह दो भाई तुम्हारे यहां खाना खाने नहीं आएंगे, इतना बड़ा दिल हम नहीं दिखा सकते, जो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। लेकिन जब मुद्दों की बात आ जाए तो भीड़ में बहाने में शामिल हो जाओ, और सामने वाला कहे भाई जय मूल निवासी, कोई तकलीफ नहीं, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय फातिमा, जय फातिमा। क्या दिक्कत है कि सामने वाला क्या कर रहा है? कोई जरूरी है कि हमारा संगठन, हमारा बैनर, हमारा नारा तभी देश बाबा साहब का या बुद्धिस्ट देश बनेगा? एजेंडा ये होना चाहिए कि तुम कुछ भी सामने से बोलोगे जो हमारी बहुजन एकता में शरीक होगा, हम वो इस तरफ से बोल देंगे। बस नफरत वाला, भ्रुक्ति तान करके दूसरे को चढ़ाने वाला, सांप्रदायिक ताकत को बढ़ाने वाला जय जय श्री राम नहीं करेंगे। इतना तो तय करना पड़ेगा कि हम इस तरफ हैं और इस तरफ नहीं। और इसीलिए राजन पाल गौतम जी जिस मंच पर हैं, उस मंच पर बगली में बैठे हैं, तो वहां से थोड़ी सी एनर्जी इस तरफ को आ रही थी, तो एक चीज याद आ गई। जैसे 22 प्रतिज्ञाओं की बात हुई, तो मैं सिंपल शब्दों में यह पूछना चाहता हूं कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उसका मतलब यह है कि किसी को शिवलिंग में भरोसा है, तुम्हारी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मस्जिद में भरोसा है, किसी को क्रिश्चियनिटी में भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को बुद्धिज्म पर भरोसा है, वही भारत का संविधान हमारे जैसे लोगों को ये इजाजत देता है कि इसमें तकलीफ कहां है कि हम कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। नहीं मानता तो नहीं मानता यार, जबरदस्ती बनवा लोगे क्या? ये तो हमारे व्यक्तिगत विषय है ना, ये तो हमारा निजी विषय है कि हम नहीं मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते। उसी तरीके से अभी एक आया कि वो ताड़न का शब्द बदल दिया, तो हम सब लोगों को उसी ताड़न का अर्थ जो इन्होंने बताया है, उसी ताड़न का अर्थ हम लोगों को भी लागू करते हुए कहना है कि सामंती, मनुवादी और चुटियाधारी, ये सब ताड़न के अधिकार है। ताड़न का अर्थ क्या है? तो बस हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, संवैधानिक लोग, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोग शिक्षा की ही बात कर रहे हैं, तो शिक्षा देना जरूरी है कि नहीं? तुम हमको क्यों दोगे, तुम हमसे बदले में भी लो। इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करता हूं। नाक छोटी कर लीजिए, दिल बड़ा कर लीजिए, मुद्दों पर एकजुट हो जाइए, यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्रॉस सेलेक्शन करिए, अंतर जाति विवाह करिए, जिस तरीके से शिवाजी की माँ जीजाबाई और उनके पिता शाहजी भोसले का अंतर जाति विवाह हुआ था, तो शिवाजी जैसी संतान पैदा हुई थी, तो अगर अंतर जाति विवाह करोगे बहुजन एकता बनेगी और परम प्रतापी संतान भी जन्म लेगी। अपनी अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा, बंते जी के शब्द चुराते हुए उनके मुंह से बोल देता, अपने मुंह से बोल रहा हूं उनके शब्द,
कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सामंतियों तुझे, मगर हम बुद्धिवादियों को भी जिद है कि दरिया को पार करना है। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।